नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रेडमी की 30S स्मार्टफोन को लेकर काफी दिनों से लेकर डिटेल सामने आ रही है। दोस्तों, यह स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें आपको बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन दी है, जिसमें आपको बड़ा प्रोसेसर और बड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ LG कंपनी भी बहुत जल्द अपना नया स्मार्टफोन LG K92 स्मार्टफोन को लेकर आ रही है। यह भी दोस्तों एक मिड रेंज का और 5G स्मार्टफोन होगा। इसमें भी आपको बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि OnePlus कंपनी ने भी कुछ दिन पहले अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 8T को लॉन्च किया था। दोस्तों, यह 5G स्मार्टफोन है और इसमें आपको बढ़िया बढ़िया फीचर्स और स्पेसिफिकेशन दिए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम Redmi K30S और LG K92 और OnePlus 8T 5G इन तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा और कौन से स्मार्टफोन में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि बात करें तीनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों Redmi K30S स्मार्टफोन में आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.76 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। वही यदि बात करें LG K92 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इसमें भी आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.7 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जबकि OnePlus 8T 5G स्मार्टफोन में आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.55 इंच की फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में से डिस्प्ले के मामले में OnePlus 8T 5G स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। यदि बात करें दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों Redmi K30S स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ग्राफिक के लिए स्मार्टफोन में आपको Adreno 650 का GPU दिया है। यदि बात करें LG K92 की, तो दोस्तों इसमें भी आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 690 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ग्राफिक के लिए स्मार्टफोन में आपको Adreno 619 का GPU देखने को मिलेगा। वही दोस्तों, यदि बात करें OnePlus 8T स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इसमें भी आपको ऑक्टा कोर के प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसके साथ दोस्तों आपको Adreno 650 का GPU देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में आपको 6GB और 8GB रैम के साथ 64GB और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में से आप Redmi K30S और OnePlus 8T स्मार्टफोन में मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, जबकि दोस्तों LG K92 स्मार्टफोन में आप मेमोरी को 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि बात करें इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो Redmi K30S स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 13 MP का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और 5 MP का मैक्रो कैमरा होगा। यदि बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। वही LG K92 स्मार्टफोन की बात करें, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 5 MP का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और 2 MP का मैक्रो कैमरा होगा और 2 MP का ही डेप्थ कैमरा होगा। यदि बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसके फ्रंट पैनल पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वही यदि बात करें OnePlus 8T स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 48 MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 16 MP का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और 5 MP का मैक्रो कैमरा होगा और 2 MP का मोनो कैमरा देखने को मिलेगा। यदि बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो दोस्तों इसके फ्रंट पैनल पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में से कैमरा सेटअप के मामले में तो लगभग तीनों ही स्मार्टफोन बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में आपको कैमरा सेटअप में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की। तो दोस्तों, Redmi K30S स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों LG K92 स्मार्टफोन में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों, इसके चार्जर के बारे में अभी तक स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। वही दोस्तों, यदि बात करें OnePlus 8T 5G स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इसमें आपको 4500mAh की बैटरी के साथ 65W का वॉक फ्लैश चार्जर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में से बैटरी कैपेसिटी के मामले में Redmi K30S स्मार्टफोन सही रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये तीनों स्मार्टफोन 4G नेटवर्क के साथ साथ 5G को सपोर्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, Redmi K30S और LG K92 स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों OnePlus 8T स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। दोस्तों, ये तो थी इन तीनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन के प्राइस की। तो दोस्तों, Redmi K30S स्मार्टफोन का प्राइस इंडियन मार्केट में लगभग 30,000 रुपए के करीब रखा जा सकता है। वही यदि बात करें LG K92 स्मार्टफोन की,
तो इसका प्राइस इंडियन मार्केट में लगभग 27,000 रुपए के आसपास हो सकता है, जबकि OnePlus 8T 5G स्मार्टफोन का प्राइस इंडियन मार्केट में 43,000 रुपए रखा गया है। तो दोस्तों, इन तीनों स्मार्टफोन में से ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन OnePlus 8T स्मार्टफोन है। इसमें आपको बड़ी बैटरी और बड़ा ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों, इस स्मार्टफोन का प्राइस भी ज्यादा है। तो दोस्तों, इनमें से यदि आपका प्राइस कम है तो आप इनमें से Redmi K30s और LG K92 स्मार्टफोन ले सकते हैं। यदि आपका प्राइस थोड़ा ज्यादा है और आप बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप OnePlus 8T 5G स्मार्टफोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि नीचे आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया और कौन से स्मार्टफोन में आपको क्या फीचर्स अच्छे लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।